नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले के बदनावर पहुंचे, यहां पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, तत्पश्चात मीडिया से रूबरू हुए और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और उनकी योजनाओं को जमकर, वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से घोषणा की कि पहली दफे कह रहा हूँ 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, फिर पहले दफे कह रहा हूँ यह हम देंगे। बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, बीजेपी की सोच में खोट घेरा। उन्होंने लाडली बहना योजना सहित योजनाओं पर कहा कि शिवराज जी को 5 महीने पहले बहने याद आ रही है। वही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि निवेश तो जब आएगा जब विश्वास होगा, और अब प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार है, प्रदेश की पहचान अब अत्याचार है। क्यों आए कोई नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है। शिवराज जी घोषणा करते रहते हैं, आप तो घोषणा मशीन है, घोषणा मशीन बन गए हैं, झूठ की मशीन है, भाषण की मशीन है। अब यह मुख्यमंत्री नहीं है, यह भूमि पूजन मंत्री है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। माताओं और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है, कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है, 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी हम देंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफे मैं पहली दफे कह रहा हूँ 100 रुपए 100 मिनट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट हाफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है, हमारे दिल और दिमाग में। कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर उसके बिजली का पैसा 100 रुपए बन जाता है तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी, ये मिलेगा। अगर माता और बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे, वो बच्चों को अच्छे कपड़े दे पाएंगे, ये हमारी सोच है। जिले के, पूरे प्रदेश के, आपके बीजेपी में गए और कांग्रेस करे पार्टी का, हम सबको भी पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ, 5 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिए लिखवा देंगे, सही है ये? और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी शिवराज जी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी, ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारे 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माता और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे हैं चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। देश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास हो। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से। क्यों आए, क्यों लगेगा निवेश? ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया, और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे? घोषणा करते रहते हैं, अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है।
ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता। वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायत की रात चौपट है, लूट लूट की जो सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी, ये शिवरात्रि की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारी 5 महीने पहले शिवरात्रि जी को माताएं और बहने याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं, 5 महीने बचे हैं चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है, जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है, ये पाप उन्होंने हमारे माता और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया, मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की, मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया, किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी। जिले के पूरे प्रदेश के आपके कार्य योजना से, आपकी घोषणाओं से, आपके मेमोरेंडम में जो